दुकड़ा बनाने के लिए पानी लिया है यहाँ पर एक कटोरी बेसन। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, एक चम्मच सौंफ, स्वाद अनुसार नमक, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको इसमें छाछ से छाछ डालेंगे, जो दही होता है उसको पतला कर लेते हैं, और या दही को भी डाल सकते हैं लेकिन उसको पतला करके हमें डालना पड़ेगा। ये छाछ से हम इसको इसका घोल तैयार करेंगे। हम इस तरह का बैटर तैयार कर लेंगे। हमने इसमें एक कटोरी बेसन और दो कटोरी इसमें छाछ लिए है, डबल हमको इस तरह से यूज़ करना है, इस तरह का बैटर होना चाहिए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसको हम गर्म करेंगे ऑयल को, क्या? अब हमारा ये ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें हींग और जीरे जीरा डालेंगे और मोरी डालेंगे और इसको जल्दी जल्दी पकाएंगे। अब ये इस तरह से बन जाएगा, इसको 3-4 मिनट तक पकाते हैं, उसके बाद हम इसको थाली पर फैलाएंगे। ये जो मैंने थाली की जो उल्टी साइड है उसको ऑयल लगाया हुआ है, इस पर हम इसको इस तरह से फैलाएंगे, जल्दी जल्दी फैलाएंगे, गरम को ही हमें फैलाना है। ये हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसमें ठंडा होने के बाद इस तरह से कट लगा देंगे और इसको फिर हम इस तरह से उठाएंगे। इस तरह से ये हमारा दुखड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह हम सारे निकाल लेंगे, देखो किस तरह से हमारा ये भी ये हमारे दुखड़े बन चुके हैं। इसको हम नाश्ते में ले सकते हैं या अचार से भी खा सकते हैं, चटनी से खा सकते हैं, और ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ट्राई जरूर करें। थैंक यू।